बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। के डब्ल्यूएस न्यूज़ के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। यहाँ पर आपको कराची से खबर दें कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी बैंक के मैनेजर ने दिगर मुलाजमीन के हमराह करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात की जगह लॉकर में नकली जेवरात रख दिए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मैनेजर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब वाके निजी बैंक के मुलाजमीन ने अपने 28 क्लाइंट के 55 करोड़ कर्ज के बदले रखे गए जेवरात तब्दील कर दिए। पुलिस का कहना है कि शहरियों के जेवरात में जालसाजी का इंकशाफ हेड ऑफिस से आने वाली ऑडिट टीम की चेकिंग पर हुआ। 55 करोड़ रुपए कर्ज के एवज शहरियों के जेवरात सेल बैग्स में लॉकर में रखे गए थे, जबकि दौरान चेकिंग 50 बैग्स में असल के बजाय सोने का पानी चढ़े पीतल के जेवरात मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 233 में से 150 लॉकर्स चेक किए जा चुके हैं, जिनमें मौजूद जेवरात नकली साबित हुए हैं। जनरल मैनेजर हेड ऑफिस की तहरीरी शिकायत पर शराए फैसल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने बैंक की एक खातून अफसर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है, जबकि दीगर मुलाजमीन से भी तफ्तीश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KWS News या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.kwsnews.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।